हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सर पूर्णिमा। टुडे विल डिस्कस अबाउट स्टेप 5 ऑफ नियोंटल रीसेसिटेशन, दैट इज मेडिकेशन अलोंग विद पीपीवी एंड सीसी, दैट इज पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन। सो जैसा कि हम स्टेप्स ऑफ नियोंटल रीसेसिटेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें 1-4 यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप्स के बारे में हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे स्टेप 5, दैट इज मेडिकेशन। स्टेप डी भी कह सकते हैं इसे, दैट इज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो न्यूट्रल एल्गोरिथम में हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था एंटीनेटल काउंसलिंग, टीम ब्रीफिंग एंड इक्विपमेंट चेक। सेकेंड स्टेप्स में हमने देखा था इनिशियल स्टेप्स ऑफ न्यूट्रल रिससिटेशन एंड थर्ड स्टेप में हमने देखा था पीपीवी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड आफ्टर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। फोर्थ स्टेप में हमने देखा था सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए चेस्ट कंप्रेशन अलॉन्ग विद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ स्टेप, दैट इज आईवी एपिनेफ्रिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेप डी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमने चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड किया था अलॉन्ग विद पीपीवी के साथ हमने चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड किया था। इफेक्टिव 45-60 सेकेंड तक हमने चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड किया अलॉन्ग विद पीपीवी। उसके बाद हम इवोल्यूशन करेंगे। इवोल्यूशन करने पर अगर बेबी का हार्ट रेट जो है 60 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा आता है तो हमें वेंटिलेशन कंटिन्यू करना है, और हार्ट रेट अगर लेस देन 60 बीट्स पर मिनट आता है तो हमें तुरंत अम्बिलिकल वेनस कैथेटराइजेशन करना है, और उसके थ्रू हमें आईवी एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर करना है। अगर हार्ट रेट परसिस्टेंटली बिलो रहता है 60 बीट्स पर मिनट से तो उस टाइम पर हमें कंसीडर करना है हाइपोवोलेमिया एंड कंसीडर न्यूमोथोरेक्स। तो यहाँ पर मेडिकेशन एड्रेनालिन देंगे। मेडिकेशन का इंडिकेशंस क्या है? इफ़ हार्ट रेट रिमेन लेस देन 60 बीट्स पर मिनट इवन आफ्टर 60 सेकेंड ऑफ कोऑर्डिनेटेड चेस्ट कंप्रेशन एंड इफेक्टिव वेंटिलेशन, देन हम एड्रेनालिन एडमिनिस्टर करेंगे। एड्रेनलिन को किस तरह से प्रिपरेशन करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए डाइल्यूट करना है 1 ml एड्रेनलिन विथ 9 ml NS टू मेक 1:10,000 सोल्यूशन। सो 1 ml इक्वल टू 100 माइक्रोग्राम और 0.1 mg। सो यहाँ पर इस तरह से प्रिपेयर करना है। 1 ml में 1 mg ऑफ एड्रेनलिन होता है जिसमें 1:10,000 सोल्यूशन एड्रेनलिन होता है। सो इस तरह से हमें प्रिपेयर करके रखना है, पहले से लोडिंग रखना है, लोड करके रखना है सिरिंज में, जिसमें जो 9 ml NS रहेगा और 1 ml जो रहेगा एड्रेनलिन रहेगा। सो 1:10,000 सोल्यूशन हमें पहले से तैयार करके रखना है जिसमें 0.1 mg रहेगा। सो एड्रेनलिन इज एडमिनिस्टर इन डोज ऑफ 0.1-0.3 ml पर kg इफ हार्ट रेट कंटिन्यू टू बी लेस देन 80 बीट्स पर मिनट इवन आफ्टर चेस्ट कंप्रेशन। इन केस ऑफ पुअर रेस्पिरेशन एंड स्लो हार्ट रेट इवन आफ्टर 5-6 मिनट ऑफ रिससिटेशन, सोडियम बाइकार्बोनेट इज गिवन 2 ml पर kg बॉडी वेट। सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे अगर हार्ट रेट 5-6 मिनट तक हमने रिससिटेशन प्रोवाइड किया बट हार्ट रेट जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, स्लो हार्ट रेट आ रहा है, पुअर रेस्पिरेशन आ रहा है, तो उस केस में हमें सोडियम बाइकार्बोनेट देना है 2 ml पर kg बॉडी वेट। इसे प्रिपेयर करना है 1:1 इन डिस्टिल वाटर। इन केस ऑफ पेरिफेरल शॉक इंडिकेटेड बाय साइनोसिस, एब्सेंट पल्स और कैपिलरी फिलिंग टाइम ऑफ मोर देन 3 सेकेंड, देन वॉल्यूम एक्सपेंडर्स आर लाइक RL एंड 0.9% NS इज गिवन। सो अगर पेरिफेरल शॉक का कंडीशन आ रहा है जैसे कि साइनोसिस है या फिर एब्सेंट पल्स है या फिर कैपिलरी फिलिंग टाइम मोर देन 3 सेकेंड आ रहा है, उस केस में हम वॉल्यूम एक्सपेंडर्स प्रोवाइड करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, जिसमें RL या फिर NS देंगे 0.9% NS। इंक्रीज इन हार्ट रेट इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ अ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स टू ईच स्टेप प्रैक्टिस्ड। अगर हम न्यूट्रल रिससिटेशन जब कर रहे हैं चेस्ट कंप्रेशन के साथ ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हार्ट रेट हमें इवोल्यूशन करना है, हार्ट रेट इवोल्यूएट करते रहना है। अगर हार्ट रेट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसका मतलब ये एक सेंसिटिव इंडिकेटर होता है, और अगर हार्ट रेट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है मीन्स बेबी का कंडीशन जो है इम्प्रूव हो रहा है और हमारा रिससिटेशन स्टेप जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है। सो न्यूट्रल रिससिटेशन में जैसे ही हमने चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड किया, चेस्ट कंप्रेशन के बाद हार्ट रेट अगर बिलो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट आ रहा है तो हमने एडमिनिस्टर किया आईवी एपिनेफ्रिन हमने एडमिनिस्टर किया। अगर हार्ट रेट परसिस्टेंटली बिलो 60 बीट्स पर मिनट आ रहा है तो हम कंसिडर करेंगे हाइपोवोलेमिया एंड कंसिडर करेंगे न्यूमोथोरेक्स एंड फर्दर इंटरवेंशन करेंगे। तो उसके लिए हम स्टेप 6 करते हैं। स्टेप 6 में हम कंसीडर करेंगे हाइपोवोलेमिया एंड कंसीडर न्यूमोथोरेक्स।
सो उसके लिए हम फर्दर मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें जैसे हमने बताया सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वॉल्यूम एक्सपेंडर्स लाइक आरएल एंड एनएनएस हम एडमिनिस्टर करेंगे. व्हेन टू डिसकंटिन्यू रेसुसिटेटिव एफर्ट, न्यूली बॉर्न बेबी विथ नो डिटेक्टेबल हार्ट रेट कंसिडर स्टॉपिंग एनएनआर इफ हार्ट रेट रिमेंस अनडिटेक्टेबल फॉर 10 मिनट्स. हमने 10 मिनट तक इफेक्टिव रेसुसिटेशन प्रोवाइड किया बट बेबी में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी हार्ट रेट डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें न्यूनटल रिससिटेशन स्टॉप करना है. देर इज नो साइन ऑफ लाइफ, कोई भी साइन नहीं आ रहा है लाइफ का, लाइक नो हार्ट बीट, नो रेस्पिरेटरी एफर्ट, देन हमें रिससिटेशन स्टॉप करना है. देर इज साइन ऑफ लाइफ, देन कंटिन्यू करना है हमें 30 मिनट फॉर द सेम. अगर कोई भी साइन आ रहा है लाइक हार्ट बीट या फिर रेस्पिरेटरी एफर्ट जो हो रहा है उसमें कुछ भी डिटेक्ट हो रहा है, लाइक इम्प्रूवमेंट हमें दिख रहा है, तो उस केस में हमें 30 मिनट तक कंटिन्यू करना है वेंटिलेशन के साथ चेस्ट कंप्रेशन और ड्रग एडमिनिस्टर. सो अगर हार्ट रेट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो उस केस में हम कंटिन्यू करेंगे रिससिटेशन स्टेप्स एंड आफ्टर दैट पोस्ट रिससिटेशन केयर हम प्रोवाइड करेंगे. पोस्ट रिससिटेशन केयर जैसे हमने बताया उसमें इवैल्यूएशन करेंगे. इवैल्यूएशन में मॉनिटरिंग करेंगे ऑक्सीजन सेचुरेशन, हार्ट रेट, ईसीजी एंड रेस्पिरेटरी रेट एंड पैटर्न, ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट, ब्लड गैस एनालिसिस, फ्लूड बैलेंस एंड न्यूट्रिशन, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट. ये सारे असेसमेंट हम करेंगे इवैल्यूएशन में पोस्ट रिससिटेशन केयर जब हम प्रोवाइड करेंगे उस. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेप्स ऑफ न्यूनटल रिससिटेशन, जिसमें टोटल 6 स्टेप्स हमने पढ़े. इसमें फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन फॉर बर्थ एंड आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप में इनिशियल स्टेप्स किए हमने, इनिशियल स्टेप्स ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन. थर्ड स्टेप में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हमने देखा. फोर्थ स्टेप में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ हमने चेस्ट कंप्रेशन दिया. उसके बाद फिफ्थ स्टेप में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ और चेस्ट कंप्रेशन के साथ हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया, यानी कि मेडिकेशन किया, मेडिकेशन अलॉन्ग विथ पीपीवी एंड सीसी. देन आफ्टर कंसीडर अदर एटियोलॉजी जिस लाइक हाइपोवोल्यूमिया एंड न्यूमोथोरैक्स. सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूनटल रिससिटेशन स्टेप्स. इसमें जो हमने बताया था इसके पहले सिक्वेंसिंग बताया था TABCD. सो ये सेम सिक्वेंसिंग हमें न्यूनटल रिससिटेशन के टाइम पे फॉलो करना है. सो सिक्वेंसिंग में हमने देखा स्टेप TA, हमने पढ़ा इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन जब हम कर रहे थे उस टाइम पर. स्टेप B हमने देखा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में इनिशिएट ब्रीदिंग एंड स्टेप C मेंटेनिंग सर्कुलेशन एंड स्टेप D में हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेप्स ऑफ न्यूनटल रिससिटेशन. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को. इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. थैंक यू.